Good morning, students. It's time to learn new chapter of social studies. That is chapter number 8, the prairies, treeless grassland. It means trees कम होती है जिस जगह पर grasslands ज़्यादा होते हैं उसे हम prairies कहते हैं. So in this chapter we gonna learn about what are grasslands, the prairies in which location, climate, vegetation and wildlife, natural resources and industries, agriculture, transport, life of the people. So let's start. Grasslands are the vast area covered with grasses. Grassland मतलब कि एक ऐसा area जो बड़ा area grasses से cover हो, जहाँ पे bushes और trees जो है वो बहुत कम होते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा? इसलिए होता है ऐसा कि grasslands में generally moderate rainfall होती है, moderate amount of rainfall होती है, मतलब सिर्फ इतनी rainfall होती है जो कि growth किसकी, सिर्फ grasses की growth को support कर सकती है, लेकिन किसी jungle को बनाने में वो help नहीं कर सकती उतनी rainfall. ठीक है, However, the moderate rainfall ensures that the grassland do not turn into desert. लेकिन यह भी हम नहीं कह सकते कि grassland जो है वो desert में convert हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतनी rainfall तो वहाँ होती है कि at least वहाँ पर grasses उग पाए. grassland जो है generally temperate zone में पाई जाती है जो कि north hemisphere में lie करती है, tropic of cancer और arctic circle के बीच, और southern hemisphere नीचे वाले part में वो tropic of capricorn और antarctic circles के बीच में lie करती है. ठीक है, do you know the grasslands are known by different names in the different part of the world? क्या आपको पता है world के अलग अलग जगहों पर इन grasslands का अलग अलग नाम है? जैसे कि prairies north america में, pampas अर्जेंटीना में, स्टीप्स यूरेशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, सवाना सेंट्रल अफ्रीका में. ठीक है, प्रायरीज जो है वो ऐसी ग्रासलैंड है जो कि कहाँ पर पाई जाती है बेटा? वास्ट एरिया में नॉर्थ अमेरिका के. फ्रेंच वर्ड में, फ्रेंच में प्रायरी का मीनिंग होता है मिडो. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस प्रायरीज के बारे में बहुत डीपली जानेंगे. तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो द प्रायरी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि कहाँ से कहाँ तक खींची हुई है? कैनेडा से मैक्सिको तक खींची हुई है. ठीक है, दे कंप्राइजेज ऑफ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ जेंटल स्लोपिंग लैंड कवर्ड विथ ग्रासेस. लॉन्ग अगो दिस एरिया वॉज कवर्ड विथ टॉल एंड थिक ग्रासेस. देखिए बेटा, अभी जो है ये प्रैरीज वो जनरली एक जेंटल स्लोपिंग लैंड जो है, जिस जो कि ग्रास से कवर है, उसमें एक छोटा सा ऐसा लैंड है जो छोटी छोटी ग्रासेस से कवर है. लेकिन पहले ये जो एरिया था ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी और मोटी मोटी ग्रासेस से कवर हुआ करता था. इट सर्व्स एज ग्रीजिंग ग्राउंड फॉर बाइसन. लोग इसे इस तरीके से यूज़ करते थे पहले कि कम उनके जो बाइसन जो जानवर हैं, जिसको हम गवल कहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये चरने के लिए ये जगह हुआ करती थी. टुडे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर आज अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चरल रीजन है हमारे वर्ल्ड का, इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से दो नदियाँ जो है उससे पानी लिया जाता है इरिगेशन के लिए, अपनी फील्ड में पानी देने के लिए, जो कि है मिसिसिपी और मिसौरी. ठीक, ये दो नदियाँ हैं जिससे पानी यूज़ करते हैं. जिसका यहाँ का क्लाइमेट अगर हम देखें तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है. समर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, विंटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ठीक है, विंटर्स में 50 से 70 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे रेनफॉल होती है, लेकिन समर सीज़न में होती है. और रेनफॉल का जो अमाउंट है वो वेरी करता है, बदल जाता है सालों साल में. ठीक है, हर साल बदल सकता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है प्रेरीज का वो विंटर सीजन में पूरा की पूरा भरा रहता है स्नो से. ठीक है, बर्फ से. यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो सॉइल इन द रीजन हैज़ हाई ह्यूमस कंटेंट एंड देयर फोर वेरी फर्टाइल. देखिए बेटा, क्योंकि इस जगह पर जो है ह्यूमस है बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जो कि आइडियल है हमारी ग्रोथ के लिए. किसकी ग्रोथ के लिए? ग्रास की ग्रोथ के लिए. ठीक है, विच कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 2 मीटर. जो ग्रासेस है यहाँ की वो 2 मीटर तक लंबी होती है. अल्फल्फा इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रास हेयर एंड इज फेड टू कैटल्स. अल्फल्फा करके जो ग्रास है यहाँ पर उगती है, और ये जो है
खाना देती है कैटल्स को, ठीक है। प्रेयरीज वॉज इनिशियली ग्रेजिंग लैंड बट दे हैव नाउ हैव बीन ट्रांसफर्ड इन टू फर्म लैंड। देखिए पहले जो प्रेयरीज थी जनरली सिर्फ जानवरों के चरने के काम आती थी, पर अब जो है वहाँ पे फर्म्स बन गए हैं। नॉट मैनी ट्रीज आर सीन हियर, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिवर का वाटर अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे ट्रीज नहीं देखेंगे, है ना। द प्रायरी सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स सच एज, यहाँ पर कई तरीके के जानवर होते हैं जैसे कि कोयोट, फॉक्स, बैजर, प्रायरी डॉग्स, ठीक है। दे ऑल्सो होम टू बेसन, बाइसन भी यहाँ पर पाए जाते थे, ऑल्सो नोन एज अमेरिकन बफेलो, जिसको हम अमेरिकन बफेलोज भी कहते हैं। हाउ एवर बाइसन इज नॉट प्रोटेक्टेड स्पाइसिस ड्यू टू लार्ज स्केल हंटिंग, अब बाइसन को प्रोटेक्टेड स्पीसीज में रखा जा रहा है, इसलिए स्पीसीज वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि पहले के लोग इनका बहुत शिकार करते थे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो देयर आर मैनी नेचुरल रिसोर्सेज लोकेटेड इन द प्रायरीज, कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पाए जाते हैं लाइक यूरेनियम, डायमंड, ठीक है। However, one of the more common, useful and abundant resources that is extracted is soil, also known as petroleum. यहाँ पर petroleum भी पाया जाता है, natural gases भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। फिर lignite, coal, oil यहाँ पर mine किए जाते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर बहुत large मात्रा में जो है coal और oil यहाँ से mining के through निकाले जाते हैं। और क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन डेवलप्ड, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की गई है। प्रायरीज ऑल्सो हैव फ्लोर मिल्स, मीट पैकिंग यूनिट वेयर मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड, देखिए बेटा प्रायरीज में फ्लोर मिल्स भी हैं, मतलब चक्की भी है, और मीट को पैक करने की यूनिट्स भी हैं जिसमें कई सारे लोगों ने को वहाँ पर नौकरी मिली हुई है। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन इंक्लूड शिकागो, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, मिनेपोलिस, ठीक है। ये सारी जो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द फर्टाइल प्रेरी, देखिए बेटा एग्रीकल्चर यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड आर नाउ अंडर कल्टिवेशन, अब कई सारा जो पार्ट है यहाँ का ग्रासलैंड्स का वो लोगों ने कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर लिया है, ठीक है। कई सारे फार्म्स जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे एकर्स में फैले हुए हैं, ठीक है। फर्म्स मतलब जनरली फार्म हाउस टाइप, ठीक है। फार्मर्स जो है यहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं, किसान जो है वो नई नई मेथड, साइंटिफिक मेथड और जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि वो लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को उगा सकें, ठीक। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म सच एज प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग इज डन बाय द मशीन, सारा वर्क जितना भी है सब के सब फार्म में मशीनों द्वारा किया जाता है। इवन स्टोरिंग ऑफ द फूड इन द साइलोज इज डन बाय मशीन, इवन जो हमारा सामान जो है क्रॉप्स कटाई के बाद जो एक जगह स्टोर करके रखने का काम वो भी मशीनों द्वारा होता है। फार्मर्स एम्प्लॉय वर्कर्स टू हेल्प देम इन देयर वर्क, देखिए बेटा फार्मर्स जो हैं जितने भी यहाँ पे किसान हैं वो अपने साथ वर्कर्स भी रखते हैं ताकि उनकी खेती में वो लोग मदद करें। द फार्मर्स देयर फैमिली एंड वर्कर्स यूजुअली लिव इन द ऑन द फार्म इन होम स्टेट्स, देखिए बेटा जनरली यहाँ पर जितने भी फार्मर्स और उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी इसी जगह फर्म में, होम स्टेट जो फार्म में ही उनका घर बना हुआ होता है उसमें रहते हैं। यहाँ पे जो जनरली क्रॉप उगाया जाता है वो है कॉर्न जो कि ईस्टर्न पार्ट में उगता है, वीट जो है वो सेंट्रल पार्ट में उगता है, और अदर क्रॉप जैसे कि रेयर बेरली, ओट्स, वो भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, लेकिन वीट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे वीट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, वीट इतना ज़्यादा अमाउंट में उगता है कि पूरी कंट्री भी वीट उसका खाती है, उसके बावजूद जो बचा हुआ वीट होता है, गेहूं होता है, वो बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है और करते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए प्रायरीज़ को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उन लोगों के लिए जो प्रायरीज का जो डिस्टेंस है वो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो इफ़िशेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो थी वो नहीं थी, और एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस और कैमल्स जिन्हें हम
यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा लोड उठा के चल सके, वो भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पर लोग जनरली डॉग को पालते हैं एनिमल्स में, जो कि ट्रेवॉइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब दो स्लेजेज होती है जिसके दो पोल्स बंधे हुए होते हैं एक डॉग से, और वो छोटा मोटा सामान उठाने के काम में आ सकते हैं। पर क्योंकि ट्रेवॉइस को भी आप ज़्यादातर हाउस होल्ड चीज़, यूटेंसिल्स, वेपन टूल्स, फायरवुड और मीट, इतना ही उससे आप उठा सकते हो, क्योंकि डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता, इसलिए लोगों को जनरली अपना सामान खुद को उठाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई जिस वजह से गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनल्स जो हैं इस रीजन में अब आ गए हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ के लाइफ हम बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली यहाँ पर हंटिंग जो है, नॉमेडिक पीपल के लिए हंटिंग जो है मेजर एक्टिविटी हुआ करती थी। ठीक है, पीपल्स जनरली किसको हंट, किसका शिकार करते थे, बाइसन का। क्यों? क्योंकि वो उससे खाना भी खाते थे और उनकी स्किन और फर को बाहर ट्रेड करते थे। ठीक है, तब ये यहाँ की प्राइम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी हुआ करती थी, ये जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाइसन की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगी, इसलिए उनकी डिमांड जो है स्किन की वो भी कम होने लगी। तो अब यहाँ पर जनरली रिच है, ये फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, इसका ईस्टर्न पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर जनरली लोग आने लगे, शिफ्ट होने लगे और यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे। ऑन द अदर हैंड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली एंड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें, वेस्टर्न पार्ट की, अभी हमने सेंट्रल पार्ट देखा या ईस्टर्न पार्ट देखा, लेकिन वेस्टर्न पार्ट इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। तो ग्रास ग्रोइंग जो होती है इस जगह पर वो शॉर्ट होती है और बहुत कम होती है। तो जनरली वो सिर्फ जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, पालतू जानवर, उनको चराने के काम में आती है। ठीक है, कैटल्स जनरली यहाँ पर रेंचेज में पाले जाते हैं, ऐसी एक जगह होती है रेंचेज जहाँ पर कैटल्स को रेयर करते हैं। ठीक है, दे आर रेयर्ड मेनली फॉर मीट। वो क्यों रेयर करते हैं, लोग क्यों पालते हैं कैटल्स को, उनके मीट के लिए। ठीक है, जो मीट है वो भी इन्हीं रेंचेज में प्रोड्यूस होता है, बनता है और एक्सपोर्ट किया जाता है यहीं से। डेयरी फार्मिंग भी यहाँ की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई है प्रेरीज की। ऑन डेयरी फार्म्स कैटल आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज बटर एंड चीज़। यहाँ पर जो है डेयरी फार्म्स में कैटल्स को पाला जाता है उनके मिल्क के लिए और उनके अलग प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि बटर है उनके दूध से बनता है, चीज़। ठीक है, और डेयरी फार्म्स भी यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं मिल्क को प्रोसेस करने के लिए और मिल्क प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इवन मिल्किंग ऑफ काउज इज़ डन बाय यूजिंग मशीन्स। यहाँ पर गाय का दूध भी निकाला जाता है तो मशीन्स का यूज़ करके निकाला जाता है। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी इंडस्ट्रियस एंड हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड टेक्नोलॉजीज टू यूटिलाइज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बेटा, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत इंडस्ट्रियस हैं और उन्होंने सक्सेसफुली सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखा है नेचुरल रिसोर्सेज का और उनको नए प्रोडक्ट बनाने का। द टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर द USA एंड कैनेडा आर लोकेटेड इन द रीजन। देखिए बेटा, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड की, जो USA और कैनेडा, वो भी इसी रीजन में हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आर नेक्स्ट चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।